Welcome to MQW Driving School Hazard Perception Clips. थ्योरी टेस्ट में टोटल आपको 14 क्लिप्स दिखाए जाएंगे जो आपको सब उसी टाइम पे करने हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम आपको और भी वीडियो क्लिप्स बना के उसको एक्सप्लेन कर सकें। इस वीडियो में टोटल मैं आपको 5 क्लिप्स दिखाऊंगा जिनको बाद में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। हैजर्ड होती क्या है? दो तरह के हैजर्ड होते हैं, एक पोटेंशियल हैजर्ड होता है और एक डेंजरस हैजर्ड होता है। यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो ड्राइविंग एंड व्हीकल स्टैंडर्ड वाले ने बनाई है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको हैजर्ड के बारे में बताया जाएगा कि पोटेंशियल हैजर्ड होता क्या है और डेंजरस हैजर्ड क्या होता है। पोटेंशियल हैजर्ड वो होता है जो सड़क पे चलते हुए आपको लगता है कि ये हैजर्ड है, जैसे ये वाइट गाड़ी आपके आगे आ रही है, ये आपका एक पोटेंशियल हैजर्ड है। पर इस गाड़ी ने आपकी गाड़ी को स्लो डाउन नहीं किया, तो इसने आपको कोई कॉज नहीं किया है, आपको कोई डेंजर नहीं पहुँचाई है, तो ये सिर्फ आपका पोटेंशियल हैजर्ड है। इसी तरह देखें, साइड की गली से जो गाड़ी आई है इसकी वजह से आपकी गाड़ी को मूव होना पड़ा है राइट पे, ठीक है, ये आपका डेंजरस हैजर्ड था क्योंकि इसकी वजह से आपको गाड़ी को स्लो डाउन भी करना पड़ा और इसकी वजह से आपको गाड़ी को राइट पे मूव भी करना पड़ा। अब आगे क्लिप्स में देखें, इस टाइम आपके पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं राइट एंड लेफ्ट पे, ठीक है, बाइक आ रही है राइट से, ये सारे आपके पोटेंशियल हैजर्ड हैं। ये हैजर्ड ज़रूर है रोड पे, ठीक है, पर ये कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। अगर आप कहीं भी बहुत ज़्यादा दफ़ा क्लिक करेंगे एक ही टाइम पे तो आपको ज़ीरो स्कोर किया जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी स्कोरिंग होती कैसे है अब पूरे टेस्ट में। अब उसी वीडियो में देखें, जो ये येलो सर्कल है इसका मतलब है ये पोटेंशियल हैजर्ड है, इस पर आप क्लिक ज़रूर करते हैं पर इसकी वजह से आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाता, जिसके को ना नेगेटिव मार्किंग है ना गुड मार्किंग है। ये सारे येलो सर्कल जो है आपके पोटेंशियल हैजर्ड है। अब यहाँ पे रेड सर्कल आ गया, अब ये जो रेड सर्कल है ये आपका डेंजरस हैजर्ड है, इस पर आपको मार्क मिलेगा जितनी जल्दी क्लिक करेंगे, जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, ये 5, 4, 3, 2 और 1 और उसके बाद 0। अगर इसके बाद आप क्लिक करते हैं तो आपको कोई मार्क नहीं मिलता, अब मार्क 0 आ जाता है। अब अगेन बाकी सारे येलो वाले पोटेंशियल हैजर्ड हैं, तो पूरे क्लिप में डेंजरस हैजर्ड 1 ही आया, पर इसका मतलब नहीं है था, ये नहीं था कि आपकी वीडियो में और हैजर्ड नहीं थे, और हैजर्ड भी आपके वीडियो में थे। आप क्लिक सब पे करेंगे पर मार्क आपको 1 डेंजरस का मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को कोई इफेक्ट होता है या आपकी गाड़ी को कोई ब्रेक लगानी पड़ती है या अपनी गाड़ी का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट करनी पड़ती है। अब मैं आपको 5 क्लिप्स दिखाता हूँ, जिसके बाद ईच क्लिप्स के बाद मैं उसका रिजल्ट भी आपको बताऊँगा। चलिए क्लिप नंबर 1 से शुरू करते हैं। अभी क्लिप नंबर 1 इन शॉर्ट वाला भी ऑन होगा, आप स्क्रीन पे नोट रखें अपना। जितने भी क्लिप्स आएंगे वो सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में आएंगे, ठीक है। ये नंबर 1 क्लिप है। अगर आप इस क्लिप को गौर से देखें तो आपको ये कंट्री लेन नज़र आ रही है और आपको दूर से पता चल रहा है कि इसमें एक ब्रिज आ रहा है, तो ब्रिज का सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होगा या उसके अंदर से जो टनल जा रही है उसका मेन प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई गाड़ी आएगी जिसकी वजह से आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पर एक ही गाड़ी गुजर सकती है। अब जो ये वाइट गाड़ी पीछे से आई थी यही मेन आपका कोर्स था, अब देखें इसकी वजह से आपको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा, ठीक है, तो ये आपका डेंजरस हैजर्ड था। बाकी जितनी भी गाड़ी आपको क्लिप्स में नज़र आई हैं वो भी आपका हैजर्ड था, पर वो सारे पोटेंशियल हैजर्ड थे। ये बेंड भी आपका हैजर्ड है क्योंकि आपको विजिबिलिटी कम हो रही है, नज़र कम आ रहा है, पर ये पोटेंशियल हैजर्ड है सारा, ठीक है। अब इस क्लिप के बाद आपका यही क्लिप मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि इसके रिज़ल्ट आपको कैसे आता है या इसके मार्किंग्स आपको कैसे मिलते हैं। ठीक है, ये भी आपका हैजर्ड है, ये गाड़ी भी हैजर्ड है, पर अगेन डेंजर हैजर्ड आपका गुजर चुका है। इसमें आपको 5x5 मिले, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे किए हैं, तो ये दोबारा देखें क्लिप को। अब नीचे मैंने आप देखें कहाँ कहाँ पे क्लिक किया था, वहाँ पे आपको ग्रीन रेड फ्लैग दिखाई देगा नीचे बॉटम में, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा सारे रेड कलर आ रहे हैं। अगर आप इसको पढ़ें तो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो गाड़ी आ रही है सामने से टनल में
वो आपका मेन कॉज है जिसकी वजह से आपको गाड़ी को रोका जा रहा है। जितनी जल्दी आप ये वाइट गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लेंगे और अपने प्रॉब्लम को जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे उतनी जल्दी आप स्कोरिंग ले सकते हैं। जहाँ पे सारा रेड कलर एक साथ उन्होंने बनाया हुआ है, इसमें 5 या 5, 4, 3, 2, 1 आपको मार्किंग मिलते हैं। अगर आपने इसको एग्जैक्ट टाइमिंग पे क्लिक नहीं किया तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर आपने बहुत दफ़ा एक ही जगह पे क्लिक किया तो आपको 0 मार्क मिलेगा और इस तरह आपका टेस्ट के टोटल स्कोर आप नहीं हासिल करेंगे। आपको 75 में से 44 नंबर लेने हैं। चले दूसरे क्लिप पे चढ़ते हैं। इस सेकंड क्लिप में आपको एक नॉर्मल सी स्ट्रीट दिखाई जा रही है। अब नॉर्मल स्ट्रीट का सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम होता है या मेन मसला आता है कि गलियों में से या स्ट्रीट में से राइट एंड लेफ्ट में से कोई एकदम आ जाता है, तो ऐसे क्लिप में ज़्यादातर इसी तरह के डेंजरस हैज़र्ड दिखाई देते हैं। जब तक आपकी लाइन एम्प्टी है, उसके सामने कोई नहीं आ रहा, तो आपको कोई हैज़र्ड भी नहीं है, तो आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पेडेस्ट्रियन है, पोटेंशियल है, दूसरी लाइन में गाड़ी है, वो पोटेंशियल। अब देखें लेफ्ट पे साइकिल एकदम बाहर आ गई है। अब इसकी वजह से आपको गाड़ी स्लो भी करनी पड़ी, आपको गाड़ी रोकनी भी पड़ सकती है, और उसके बाद आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर में पिलर था। तो ये साइकिलिस्ट जो था वो आपका इस क्लिप में डेंजर हैज़र्ड था। फिर बात वहीं पे आती है कि जितनी जल्दी आप उसको स्पॉट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उतने ज़्यादा आपको इस पर मार्क्स मिलेंगे। जितना आप लेट करेंगे उतने आपको कम मार्क्स मिलेंगे, और आपको 75 में से 44 मार्क्स लेने हैं। मैंने क्लिक टाइम पे किया इसलिए 5x5 में जिसमें से मिले। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब रिज़ल्ट में मैं आपको बताऊँगा। अब आप नीचे देखें जहाँ पर रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, जहाँ पे नीचे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं उसमें शुरू में जितनी भी चीज़ें आपने देखी उसमें से कोई भी ऐसा हैज़र्ड नहीं था जो डेंजरस हो आपके लिए। ठीक है, तो इस पूरे क्लिप में आपको कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप कर भी देते हैं जहाँ पे आपने पेडेस्ट्रियन देखा, गाड़ी देखी, ना आपको उसके पॉजिटिव मार्क मिल रहे हैं ना नेगेटिव मार्क मिल रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा सारा रेड कलर ने दिखाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया कि गली से कोई आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा राइट एंड लेफ्ट पे वीडियो क्लिप में ज़रूर ध्यान दें। काफ़ी ज़्यादा वीडियो में हैज़र्ड आपका राइट या लेफ्ट स्ट्रीट या गली से ही बाहर आएगा, वो भी एकदम, जिसकी वजह से आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा। जितना आप लेट क्लिक करते हैं उतने आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद 0। अगर आप 0 और 1 मार्क्स या 2 मार्क्स हर वीडियो में लेंगे तो आप 44 नहीं कर सकेंगे टोटल, और 44 अगर आप नहीं करते तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है। बेशक आपने थ्योरी टेस्ट में 50x50 नंबर लिए हो और हैज़र्ड में आपने लेस देन 44 लिए हो, आपका फेल हो जाएगा टेस्ट, तो मेक श्योर ये आप करें। तीसरे क्लिप की जब चलते हैं, इस क्लिप्स को देखें। अब जैसे ये गाड़ी लेफ्ट पर जा रही है, आपको पेडेस्ट्रियन भी आपको पोटेंशियल हैज़र्ड है, ब्लू गाड़ी आपको पोटेंशियल हैज़र्ड है। जब तक आपके आगे कुछ नहीं आ रहा, बेशक क्लिक भी ना करें। ठीक है, जितना आप क्लिक करेंगे आपका रेड फ्लैग बनेगा, पर बिला वजह मैंने क्लिक किया, देखें कोई गाड़ी भी नहीं थी। अब देखें फिर राइट से एक गाड़ी आ रही है बाहर, जब तक तो ये रुक जाती है और आगे नहीं आती तो ये आपका पोटेंशियल हैज़र्ड बन जाता है। पर अगर ये गाड़ी बाहर आ जाती है स्ट्रीट से और इसकी वजह से आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, स्टॉप करनी पड़ती है, ठीक है, तो ये आपका डेंजरस हैज़र्ड है। अगेन, जितनी जल्दी स्पॉट करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स क्लिक कर सकते हैं। लोग 75x75 मार्क्स भी लेके आते हैं हैज़र्ड में, इट इज़ पॉसिबल, पर 60 out of 50, 75 भी अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, नाउ इसी क्लिप्स को दोबारा देखते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सा बेस्ट टाइम था क्लिक करने का। अगेन 5x5 स्कोर है, पर ये एग्जांपल के तौर पे किए गए हैं, हर दफ़ा आपको 5x5 नहीं आएगा। आप हमेशा एक टेस्ट वीडियो ज़रूर कीजिएगा अपने टेस्ट से पहले, वो आपको ऑप्शन देंगे, टेस्ट करें, एक सैम्पल वीडियो करें, अपना माउस चेक करें, अपना क्लिक चेक करें। ठीक है, इस वीडियो में देखें नीचे, फिर जहाँ पर ज़्यादा सारा रेड कलर आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, जो गाड़ी स्ट्रीट से आ रही है लर्नर की कार राइट से, वही आपका मेन डेंजरस हैज़र्ड है। पर तब नहीं जब वो नज़र आ गई, जैसे अब अभी वो नज़र आ रही है पर वो बाहर नहीं आई, तो अभी तक वो सिर्फ आपका पोटेंशियल हैज़र्ड है। जैसे ही ये गाड़ी आपके लिए नहीं रुकती और बाहर आती है, जबकि उसको रुकना चाहिए, पर आप लर्नर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लर्नर ड्राइवर से थ्योरी के क्वेश्चन में भी आता है, बी पेशेंट एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इनएक्सपीरियंस ड्राइवर्स। तो जैसे ये बाहर आती है गाड़ी और आपको कॉज करती है कि आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ रही है, स्लो करनी पड़ रही है, पूरी गाड़ी स्टॉप करनी पड़ रही है, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा यही मेरा डेंजरस हैज़र्ड था पूरी क्लिप में। किसी क्लिप में एक हैज़र्ड होते हैं, किसी क्लिप में 2 हैज़र्ड होते हैं।
ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको एक हैज़र्ड डेंजर सुना आ गया तो आप दूसरे पे ध्यान ना दें, हमेशा याद रखें दो भी हो सकते हैं एक ही क्लिप में, ठीक है। नाउ अगले क्लिप पर चलते हैं, ये नंबर 4 क्लिप है। अब इसमें देखें, ये एक स्ट्रीट है। अब इस स्ट्रीट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गाड़ियों के पीछे से कोई आ सकता है, कोई बॉल एकदम आपकी गाड़ियों के आगे आ सकता है, कोई बच्चा आ सकता है, कोई चिल्ड्रन आ सकते हैं, कोई पेडेस्ट्रियन आ सकता है, कोई साइड स्ट्रीट से कोई आ सकता है, साइकिलिस्ट आ सकता है, कोई गाड़ी का डोर ओपन कर सकता है, ठीक है। इस तरह आप पहले से सोचना शुरू कर दें क्लिप में कि किस तरह की वीडियो मुझे दिखाई जा रही है और क्या डेंजर हो सकता है। अगर आप वैन की राइट पे देखें तो आपको दो लेडीज वहाँ से आती नज़र आएंगी, ठीक है। अब ये हाइड हो गई गाड़ी के पीछे। अब जितनी जल्दी आप स्पॉट करते हैं राइट एंड लेफ्ट, इसलिए कहते हैं जब भी जंक्शन के करीब जाएं तो जंक्शन में राइट एंड लेफ्ट ज़रूर देखें। तो जब भी गाड़ी चलाएं, कोई भी जंक्शन आपका आगे है, राइट लेफ्ट ज़रूर देखें। कोई भी किसी टाइम भी राइट लेफ्ट से आके आपको डेंजर क्रिएट कर सकता है। अब आगे कोई हैजर्ड नहीं आएगा, बेंड भी वैसे हैजर्ड होता है क्योंकि विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है बेंड पे, ठीक है। अब ये जब क्लिप ख़त्म होगा, इसके बाद मैं आपको रिजल्ट दोबारा दिखाता हूँ। इसमें 4 है, मैंने राइट टाइम पे क्लिक किया था, पर अगेन माउस इतनी जल्दी मेरा क्लिक हो गया तो उससे मुझे उसने लेट मार्किंग दी। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। अब जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही थी वही हुआ कि स्ट्रीट तो कोई नहीं आई, तो जब तक स्ट्रीट कोई नहीं आई कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। जैसे ही आप स्ट्रीट के करीब पहुँचे प्रॉब्लम आया, जैसे ही आप लॉरी ट्रक या बस के पीछे पहुँचे तो आपको उसके पीछे चीज़ें हाइड होने नज़र आ गई, आपको ब्लाइंड स्पॉट बनने लग गया। तो इसमें जैसे ही आपने लॉरी देखी, वैन देखी, आपको आइडिया हो गया कि इसके पीछे कोई ना कोई मेरा ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा और वही आपका हैजर था। यहाँ पे आप देखें स्ट्रीट से, राइट स्ट्रीट से दो स्ट्रीट आएंगी और दो आपको पेडेस्ट्रियन नज़र आएंगे। नाउ जितनी जल्दी क्लिक करेंगे, ये जितनी जल्दी स्पॉट करेंगे, आपको 5 मार्क मिलेंगे, फिर 4, और जब ये इसके गाड़ी के पीछे हाइड होती हैं वहाँ तक 3, और उसके बाद यही आपका मेन कॉज था जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी है और आपकी गाड़ी को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा है, और ये आपका डेंजरस हैजर्ड काउंट किया गया। तो इस पूरे क्लिप में आपको एक ही डेंजरस मिला है, क्वाइट स्ट्रीट थी इसलिए कोई खास पोटेंशियल हैजर्ड भी आपको इस स्ट्रीट में नहीं मिला। अब इसके बाद अगले क्लिप पर चलते हैं, ये आखिरी क्लिप है आपका नंबर 5। अब इस क्लिप को देखें, अब इस क्लिप में फिर आपको एक बार स्ट्रीट दिखाई गई है। अब स्ट्रीट में आप खुद सोचें कि क्या आपको इश्यूज हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ज़्यादातर आपको राइट या लेफ्ट गली से ही कोई गाड़ी आती नज़र आएगी। अब सोचें इसमें, इस वैन की वजह से आपको गाड़ी मूव करनी पड़ रही है, पोटेंशियल हैजर्ड आपका, पेडेस्ट्रियन आ रहे हैं पोटेंशियल हैजर्ड है, आगे गाड़ी आ रही है पोटेंशियल हैजर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको आगे एक स्ट्रीट से राइट से ट्रैक्टर आता नज़र आएगा। जब तक तो वो पीछे रहता है वो पोटेंशियल है, अगर वो बाहर आके आपको कोस करता है कि आपकी गाड़ी रुके या स्लो हो जाए तो ये ट्रैक्टर आपका फिर डेंजर हैजर्ड बन गया। तो इस क्लिप में आपका ट्रैक्टर ही मेन डेंजर हैजर्ड काउंट किया जाएगा। अब ये वीडियो फिनिश होने के बाद मैं आपको एक बार दोबारा उसका क्लिप दिखाता हूँ स्कोरिंग बताने के लिए। फिर आपने दोबारा फ्लैग्स को देखना है, नीचे उसके टाइमिंग देखने हैं और फिर नोट डाउन करना है कि आपको स्कोर कैसे हुआ। ये दोबारा एक दफ़ा क्लिप देखें। अब जब तक आपको कोई हैजर्ड नहीं आया, अब देखें नीचे फ्लैग्स को देखें, जब तक ट्रैक्टर नहीं था कोई हैजर्ड भी नहीं था। अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ना कोई नेगेटिव मार्किंग ना पॉजिटिव मार्किंग, जितनी गाड़ियां आएँ जिनकी वजह से आपको गाड़ियों से अपनी राइट लेन में जाना पड़ा वो सारा पोटेंशियल था। पर अगर यहीं पर सामने से कोई गाड़ी आती और आपको रुकना होता तो वो पोटेंशियल भी डेंजरस हो सकता था, या अगर ये पेडेस्ट्रियन एकदम क्रॉस कर लें तो डेंजर हो सकता था, पर इस वीडियो में कुछ नहीं था। अब जितनी जल्दी आप देखें यहाँ पर ट्रैक्टर को स्पॉट आउट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जब तक वो गिव वे लाइन से बाहर नहीं आ रहा और आपके लिए रुक रहा है तो वो पोटेंशियल हैजर्ड आपका। पर अगर वो बाहर आता है, उसके उसकी लेन में गाड़ियाँ हैं और उसको वहाँ से उनको ओवरटेक करके बाहर आना है गाड़ियों को, तो फिर आपको उसकी वजह से रुकना पड़ा, तो फिर ये आपका डेंजरस हैजर्ड हो गया, उसने आपको एक किस्म का स्टॉप किया जाने से या रोका, तो ये आपका पोटेंशियल से डेंजरस हैजर्ड बन गया। और इस तरह आपको 5, 4, 3, 2, 1 करके स्कोर मिला। हमारे क्लिप्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अभी हमने सिर्फ आपको 1 to 5 क्लिप दिखाए हैं, बाद में और भी दिखाएंगे। थैंक यू।